इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। आपको बता दें, सीएम रमन सिंह 155 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस का वितरण भी करेंगे। पंच सरपंच सम्मेलन में भी सीएम शिरकत करेंगे, आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बताते हैं, अटल विकास यात्रा आज कवर्धा पहुंचेगी और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कुलेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, आज सीएम रमन सिंह की अटल विकास यात्रा कवर्धा पहुंचने वाली, क्या कुछ पूरा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? कुलेश्वर, मेरी आवाज सुन पा रहे क्या? जी कुलेश्वर, आज सीएम रमन सिंह की यात्रा आज कवर्धा पहुंचेगी, क्या कुछ स्वागत मिलने की उम्मीद है यहाँ पर कवर्धा में? जी, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से रमन सिंह लगातार अटल विकास यात्रा का तूफानी दौरा कर रहे हैं, उस सिलसिले में आज मुख्यमंत्री की जो अटल विकास यात्रा है वो कवर्धा जिले के कुछ दूर पहुंचेगी। वहां पे 155 करोड़ के विकास कार्य की वहां से लोगों को सौगात दिए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए हितग्राहियों की, तो वहां पे हितग्राहियों को तेंदू पत्ता के साथ ही बोनस, जो धान का बोनस है, वही वितरण वहां पे किया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री वहां पे एक बहुत बड़ा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि पंच सरपंच सम्मेलन है ये, और बहुत बड़ा वहां पे आम सभा का आयोजन किया गया, उसको वहां पे संबोधित। निश्चित तौर पर जिस तरह से आगामी चुनाव और जिस तरह से मुख्यमंत्री तूफानी दौरा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जहां भी जा रहे हैं वहां एक बड़ा स्वागत है, तो निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ की जनता, उनके लिए एक बहुत बड़ा, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार स्वागत में दिए जा रहे हैं। वही आपको बताना चाहूंगा की 155 करोड़ 51 लाख रुपए के 18 विभिन्न विकास कार्यों को भी लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो 7 करोड़ 76 लाख 62 हजार रुपए के 3 कार्यों का भी लोकार्पण है। निश्चित तौर पर जो विकास यात्रा है वो एक नई सौगात लेकर हर जिले का दौरा कर रहे हैं। जी कुलेश्वर, माना जाए एक तरीके से, जैसे कि आचार संहिता कुछ ही दिनों में लगने वाली, उससे पहले सीएम एक तरह से सौगात देके कहीं ना कहीं लोक लुभावन भाव वादे करके जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से ये माना जाए? जी निश्चित तौर पर, आगामी चुनाव और चुनाव को देखते हुए सीएम का अटल विकास यात्रा का दूसरा चरण चालू हुआ है, जिसमें लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लोगों को नई सौगात दे रहे हैं। हितग्राही हुए जो उनको तेंदू पत्ता बोरा से वो बांट रहे हैं, धान बोरा बांट रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चुनाव को देखते हुए रमन सिंह का ये दौरा दूसरे चरण में तय किया गया था, क्योंकि आगामी चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचे, उसी को देखते हुए रमन सिंह लोगों के बीच जाकर उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्या जा रहे हैं। वही जिस जिला में जा रहे हैं वहां पे करोड़ों की सौगात और भूमि पूजन लोकार्पण करके आ रहे हैं। जी कुलेश्वर, देखा जाए एक तरह से सीएम तो अपनी चुनावी चाल लगातार चल रहे हैं, जो उन्हें चलना चाहिए, अटल विकास यात्रा के नाम इसको दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात करें, तो यहाँ पर कांग्रेस अभी केवल सीडी तक सिमटी रह गई है, यानी कि सीडी नुमा एक लॉलीपॉप उसके पास पे है, वो उसी तक सीमित रह गई है। जबकि देखा जाए इस समय में कांग्रेस को भी चुनावी मैदान में होना चाहिए था। जी निश्चित तौर पर, अगर आपको बता दूं कि कांग्रेस भी जंगल सत्याग्रह की शुरुआत कर चुकी है, लेकिन जिस तरह से सीडी कांड सामने आया, भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी सिमट के रह गई है सीडी कांड में, चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर बात की जाए भूपेश बघेल की, तो जो सीडी कांड है वो भी एक बहुत गर्मा गया है। मुख्यमंत्री को अपना अटल विकास यात्रा में जाहिर है कि कांग्रेस भी पीछे नहीं है। सीडी कांड को मुद्दा बना के कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच जा रही है, और बता रही है कि किस तरह से दमनकारी नीति के तहत भूपेश बघेल को जेल के अंदर बंद कर दिया। तो कांग्रेस भी अगर बात की जमीनी स्तर में, तो भी तैयारी शुरू की है। और तो अभी तो बात रही बात विकास यात्रा की, तो कांग्रेस लगातार विकास यात्रा में आरोप तो लगाते ही रही है, जनता को बताते ही है कि रमन सिंह जो है जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग करके विकास यात्रा निकाल रहे हैं, और सिर्फ लोग को लुभाने के लिए, आम जनता को लुभाने के स्तर के सौगातें दी जा रही। तो लगातार कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है।